क्योंकि अभी राइजिंग स्टार सीज़न 3 के जो विनर हैं आफ्ताब सिंह, सभी लोगों के अंदर उनके बारे में जानने की इच्छा है कि वो क्या हैं, वो क्या नहीं है। बहुत से लोग उन्हें बहुत ज़्यादा गरीब बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत दिक्कत वाला बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो जीत गए तो अच्छा है। ऐसा नहीं है, देखो वो तो जो भी है गरीबी एक अलग चीज़ है, लेकिन बंदा टैलेंटेड भी था और बहुत अच्छी सिंगिंग भी करता है लड़का, तो उसको भी उसको मतलब बेनिफिट देना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल गरीब था, लेकिन मैं आपको उनके बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई शो रियलिटी शो नहीं देखा है। इससे पहले भी वो 3 रियलिटी शो कर चुके हैं, जो 2 तो बड़े ही हैं, इसमें एक सारेगामा लिटिल चैंप्स है जिसमें टॉप 7 में रहे थे वो, और इसके अलावा फेम एक उनका लोकल चंडीगढ़ का वो था रियलिटी शो, उसको भी उन्होंने ज्वाइन करा था। उसके बारे में आपको मैं आज पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने इनकी पूरी बायोग्राफी खोल रखी है इस समय। इनका नाम है आफ्ताब सिंह, 2007 में ये जन्मे थे और ये बाकी सब आप देख सकते हैं होम टाउन्स वगैरह के बारे में सब कुछ। सूफी सिंगर हैं, एजुकेशन वगैरह क्या है इनकी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके पिताजी जो हैं वो ख़ुद भी बहुत अच्छे सिंगर हैं और उन्होंने उनको गाइड कराया, उन्होंने उनको सिखाया है, म्यूज़िक टीचर हैं वो भी, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ देखते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे लिखा 2017 में आफ्ताब के ऑडिशन फॉर्म सारेगामा पा लिटिल चैंप्स एंड रीच अमंग टॉप 7 फाइनलिस्ट। देखा सब आपने, ऐसा नहीं था कि ये पहली बार ही इसके अंदर आए थे, ये सारेगामा पा लिटिल चैंप्स के अंदर भी आ चुके थे और उसके टॉप 7 में रहे हैं ये, समझ गए आप, टॉप 7 पार कर चुके हैं आप। आगे देखते हैं आप द टेलीविजन शो म्यूज़िक की पाठशाला, एक म्यूज़िक की पाठशाला नाम का NTV पे शो आया था, उसमें भी ये पार्टिसिपेटर रह चुके हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हैं, गरीब हैं उसके बारे में सब चीज़ यहाँ लिखी हुई है। और आगे देखते हैं दोस्तों, ये इनकी मीडिया प्रोफाइल है और एक वहाँ का लोकल शो हुआ था चंडीगढ़ का, उसमें भी इन्होंने अच्छा अपना नाम हासिल करा था। तो दोस्तों इस सब चीज़ों से ये पता चलता है कि चैनल्स वाले जो हैं ना, ख़ासतौर से ये अपने आप को हिट करने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं ये लोग, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। हर चीज़ को इतना छुपाना, इतना दिखाना, ये गलत है। मैं कहता हूँ कोई भी बंदा है, फाइनेंशियली दिक्कत है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अपने चैनल की प्रमोशन के चक्कर में आप कुछ भी कर जाओ ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये न्यूज़ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आफ्ताब सिंह को जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि उनके सारे ख्वाब पूरे हों, वो सारी जो उनकी इच्छाएँ उनके परिवार की वो पूरी हों और वो अपनी आवाज़ के दम पर अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करें। उनका सपना है सलमान खान के लिए गाना गाने का, वो सलमान खान के लिए क्या, सारे बॉलीवुड के लिए गाना गाएं। हमारी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं उनके लिए, और अगर दोस्तों आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।